जानलेवा हो गया, घंटा दो घंटा चार घंटा मेहमान रहते हैं, उनके लिए भी यही दवा चले, लेकिन नंबर बदल जाएगी सिर्फ सिर्फ क्यू नंबर। नाम बच्चे उनका मुस्कान मिश्रा, मुस्कान प्रियांशु, नाम सबका बोल दे, उसे भी हाल ही में जो बारिश हुई है उससे काफ़ी पटना काफ़ी क्षेत्रों में जल जमाव उत्पन्न हो गई थी, और पानी के ठहराव के कारण जो कि सड़न के कारण आमतौर पर कई तरह के बीमारियों का संक्रमण का खतरा बना हुआ था। उसके देखते हुए हमने हमारे मित्र हैं धर्मेश मेहता जी, उनकी संस्था को हमने आमंत्रित किया था, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सर हैं, उनको मैंने आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाइए, आपकी सेवा हम ले सकें। और इस मोहल्ले में 8000 लोग यहाँ वास करते हैं, निवास करते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग स्लम के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, तो ज़्यादा एफर्ट करने की स्थिति में नहीं है, महंगी चिकित्सा ये लोग एफर्ट करने की स्थिति में नहीं है, तो एक होम्योपैथी एक सुलभ और बहुत ही सस्ता माध्यम और साधन है चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसका लाभ हम चाह रहे हैं कि स्थानीय नागरिकों को मिल सके, और ये प्रयास पटना नगर निगम क्षेत्र के तमाम उन वार्डों में उन मोहल्लों में किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और इससे होने की संभावना है। समस्या हुई है डेंगू बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है इधर इस कॉलोनी में, तो मैं इसके लिए हमें जानकारी हुआ कि फतुहा में एक डॉक्टर हैं लक्ष्मी नारायण सिंह जी, जो होम्योपैथ में एक बूंद दवा देते हैं और उससे डेंगू 6 महीना तक नहीं होता, तो मैं फतुहा गया और उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब हमारी संस्था चाहती है कि पटना में जो जलजमाव वाला क्षेत्र था वहाँ जहाँ डेंगू के व्यापक मात्रा में फैला हुआ है फैल रहा है वहाँ पे एक दिन आप कैंप करें हमारे संस्था की तरफ से, तो इन्होंने अपनी स्वीकृति दी और आज आप देख रहे हैं कि हमारी संस्था हमारी बैनर माध्यम फाउंडेशन के बैनर तले डॉक्टर साहब आए हुए हैं और यहाँ लगभग 350 के आसपास लोग दवाई ले चुके हैं और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और लोग आते जा रहे हैं, तो हम लोग अभी शाम तक यहाँ पे हैं, उम्मीद है कि जितने से ज़्यादा ज़्यादा से लोग यहाँ पे आए और इस दवा का लाभ उठाएं और इस समय का लाभ उठाएं, और हम लोगों ने लगभग 8000 लोगों के लिए दवाई लेकर आया है यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि शहरवासी हमारे गंगानगर के और इधर मसालापुर के लोग बाजार समिति के लोग, और हमने अभी अपने कलाकारों के बीच में भी वितरण किया है, प्रेमचंद रंगशाला में भी कलाकारों को बहुत सारे कलाकारों को लगाया है, तो हमें जितने से ज़्यादा ज़्यादा लोग इस समय का इस दवा का लाभ उठा सकते हैं यही मैं चाहता हूँ। सर आगे कब तक मतलब ये सर कैंप जारी रहेगा? ये तो आज शाम तक है, लेकिन मैं फिर से डॉक्टर साहब से आग्रह करूँगा कि फिर से वो अपना समय दे और आगे का समय हम लोग निर्धारित करेंगे, और समय से समय मंगलवार को हो सकता है फिर से एक कैंप हम लोग यहाँ करें कहीं पे, और सुबह सुबह भी कैंप करने का विचार हमारी संस्था में कर। नाम सर धर्मेश मेहता, माध्यम फाउंडेशन का सचिव हूँ।